लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज दिग्विजय सिंह का प्रथम दौरा। दिग्विजय सिंह ने सीहोर विधानसभा से चुनाव प्रसाद की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शनों के बाद की। कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जिसमें चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रश्नों के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू आतंकवादी शब्द मैंने कभी नहीं कहा, हाँ संघीय आतंकवादी जरूर कहा है। मोदी जी के 300 सीट जीतने के दावे पर बोले कि ये हिटलर मनोवृत्ति है। कांग्रेस मुक्त विपक्ष के जवाब में कहा कि विपक्ष समाप्त हो जाएगा तो समझो प्रजातंत्र ही समाप्त हो जाएगा। अवैध रेत खनन पर कहा कि शिवराज का पूरा परिवार अवैध खनन में लिप्त था। मोदी के मिशन शक्ति पर कहा कि इसरो कांग्रेस की देन है, चुनाव जीतने के लिए मोदी कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के पाकिस्तानी प्रेम पर कहा कि मोदी जी देश में तो पाकिस्तान का विरोध करते हैं और खुद चुपचाप नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जाते हैं, मोदी से बड़ा पाकिस्तान का हिमायती कोई नहीं है। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तानी एजेंसी ISI को जांच की इजाजत किसने दी, मसूद अजहर को किसने छोड़ा, कांग्रेस ने तो शहादत दी है। दिग्विजय सिंह के साथ मंत्री आरिफ अकील, जीतू पटवारी, सुरेंद्र हनी बघेल सहित राजकुमार पटेल व बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। बंद नहीं हुआ है, पूरा बंद नहीं हुआ है, कुछ हिस्से में बंद हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा परिवार, आप तो सीहोर वाले सब जानते हो, पूरा परिवार अवैध उत्खनन में लगा हुआ था और अवैध उत्खनन में पूरा का पूरा हिस्सा शिवराज सिंह चौहान के परिवार को जाता है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह जी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं भोपाल लोकसभा में? देश की बेरोजगारी का जो मिटाने का वादा किया था मोदी जी ने, अर्थव्यवस्था सुधारने का वादा किया था मोदी जी ने, काला धन लाने का वादा किया था मोदी जी ने, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा करने का वादा किया था मोदी जी ने, आतंकवाद समाप्त करने का वादा किया था मोदी जी ने, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ सर। इसलिए इस बार मोदी जी की सरकार को हटाना है, भाजपा की सरकार को हटाना है और कांग्रेस सरकार लाना है। इलेक्शन कमीशन देखेगा, DRDO किसके समय बना, इसरो किसके समय बना, ये सब कांग्रेस के समय बने हैं और ये इसकी टेक्नोलॉजी तो 2012 में ही हमारे पास आ गई, लेकिन उसको कभी उसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। ये केवल चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते नहीं हो। मैं तो कभी आज तक पाकिस्तान गया नहीं, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गले मिलते हैं, पाकिस्तान में जाकर उनकी शादी में शामिल होते हैं, उनसे इधर तो विरोध करवाते हैं और उनसे फिर चिट्ठी का पत्र व्यवहार करते हैं बड़ा मित्रता का। ये नरेंद्र मोदी स्वयं अपने गिरेवान में देखें कि वे कितने पाकिस्तान के हिमायती हैं, मैं तो कहता हूँ कि वे सबसे बड़े हिमायती हैं पाकिस्तान के। जो ISI जो हमारे यहाँ आतंकियों को भेजकर आतंकवाद फैलाता है, उस ISI को पठानकोट के आतंकी हमले में जांच करने के लिए ISI को मंजूरी दी किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने दी। आतंकवाद से समझौता किसने किया? मोदी जी, भाजपा की सरकार ने। जब यह सईद का किडनैपिंग हुई तब समझौता किसने किया था? उस सरकार ने जो भाजपा जिसको समर्थन करती थी। उसके बाद मसूद अजहर को छोड़ने के लिए समझौता किसने किया था? भाजपा की सरकार ने। अरे कांग्रेस ने तो शहादत दी है, आतंकवाद के खिलाफ शहादत दी है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मेरे को क्लिप दिखा दो जहां मैंने हिंदू आतंकवाद कहा हो, या और मैंने ये कहा है संघीय आतंकवाद, आज भी कहता हूँ संघीय आतंकवाद था। जितने लोग पकड़े गए और अब जो छूट रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक साथ है, मैंने कभी नहीं कहा, कोई दिखा दे मेरे को, चलिए मैंने कहीं भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद कहा सर। ये मनोवृत्ति एक हिटलरी मनोवृत्ति है, ये वो मनोवृत्ति है जो मूल रूप से प्रजातंत्र विरोधी है। जब विपक्ष समाप्त हो जाता है तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है एक तंत्र, इसलिए ये उनकी
हिटलरी मनोवृत्ति दर्शाता है। सर राहुल गांधी की गरीबी हटाओ स्कीम को लेकर जितने भी राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आर्थिक वैज्ञानिक है उनका मानना है कि ये संभव नहीं होगा। देखिए पहली बात तो वैज्ञानिक नहीं,